So now class, when I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest. It was sitting near the small opening in the nest. It was waiting for its mother to bring some food. What else can it do? Just eat and sleep. क्या होता है आपको मैंने जिससे बताया है वो क्या करते हैं उसके बाद अपने बच्चों के लिए खाना लेके आते हैं ठीक है फूड ढूंढ खिलाते हैं फिर वो अपने बच्चे को फूड खिलाते हैं और बच्चे भी उनके वेट करते हैं देन वो क्या करते हैं ईट करते हैं स्लीप करते हैं ओके गॉट इट जस्ट वेट ओके डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड क्या आप वीवर बर्ड के बारे में जानते हो द मेल वीवर बर्ड मेक ब्यूटीफुल वुमेन नेस्ट ओके द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूज द वन पता है आपको क्या होता है जो वीवर बर्ड होती है ना उसमें जो मेल होता है ओके नाउ डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड द मेल वीवर बर्ड मेक ब्यूटिफुली वुमेन नेस्ट द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूजेस द वन दैट सी लाइक द बेस्ट एंड डिसाइड्स इन विच टू ले हर एग्स इसमें जो होता है मेल जो वीवर बर्ड होती है वो क्या करती है घोंसला बनाती है और जो आपकी जो फीमेल होती है वो चूज करती है कि इनमें से कौन सा सही है मेरे बच्चों के लिए ओके अगर मेरे बच्चे होंगे तो कौन सा उनके लिए सही है वो बिल्कुल बेस्ट वाला जो है सेलेक्ट करती है लुक एट दिस वीवर बर्ड ओके गॉट इट नाउ ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दीज डे सारे बर्ड्स बिजी हो रखे हैं मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग्स मेकिंग द नेस्ट ओके मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग्स अपने घोंसले बनाने में और बच्चे देने में ओके उनका जो एग्स इन ओनली द फर्स्ट स्टेप इनका फर्स्ट स्टेप होता है इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है इनके लिए विच हैड बीन मेड सो मैनी एफर्ट सो विच हैड बीन मेड विथ सो मच एफर्ट वो अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है इसमें वो करते हैं आपको दिख भी रहा होगा बर्ड्स है मैन एमी देखो बर्ड्स के बहुत सारे एनिमीज भी होते हैं राइट आपको पता ही है जैसे बर्ड्स क्या करती हैं अगर वो अपना अपने बच्चों के लिए फूड ढूंढने चले जाएंगी तो बर्ड्स क्या होता है गैस तो कोई एनिमल आएगा उनके उनके जो है एग्स को खा लेता है बर्ड्स है मैनी ह्यूमन्स होते हैं एंड अदर एनिमल्स टू क्रोज होते हैं स्क्वायरल्स कैट्स रैट्स ऑल ऑफ देम वेट फॉर चांस टू स्टील द एग्स उनको चुराने के लिए जो वेट करते रहते हैं मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट बहुत टाइम बाद क्या आपको देखा होगा ज़्यादा दिन तक जो है नेस्ट नहीं रहता है राइट क्योंकि उनके लिए खुद भी इतना डिफिकल्ट होता है अपने बच्चों को वो करना राइट सो इतने बर्ड्स को कितनी चीज़ें जो है फेस करनी होती है कितनी सारी प्रॉब्लम सो ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड सारे बर्ड्स क्या करते हैं अपने पहले बच्चों का टेस्ट लेते हैं कि वो जो है इतने कैपेबल हो चुके हैं उड़ने के लिए अपनी हर चीज़ के लिए तो उसके बाद वो अपने बच्चों को फाइनली वो क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ उड़ जाते हैं और इन्जॉय करते हैं लाइफ को ओके उसके बाद तो वो बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं उसके बाद वो फ्लीरी बच्चों को विंग्स जब उनके आ जाते हैं तो उनको उड़ना सिखा के उनके साथ सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ सलाम ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर गुज्जू भाई तो ये सब गुज्जू भाई ने देखिए नाउ लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गुज्जू भाई राइट दिस लेटर डू यू नो येस राइट बिकॉज आई हैव टोल्ड दिस थिंग In the first page, okay? So they are also written, okay? Second question, find out how old your grandfather, grandmother were that time. कितने एज के रहे होंगे आपके grandmother, grandfather? अब देखिए ये जो स्टोरी है बेटा ये आपकी 13 अप्रैल 1936 इस टाइम तो आपके grandmother, grandfather भी नहीं हुए होंगे ओके सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस लेटर्स टॉक अबाउट मैनी डिफरेंट बर्ड्स ओके हाउ मैनी दीज बर्ड्स हैव यू सीन ये जो लेटर है वो मैनी डिफरेंट बर्ड्स के बारे में ठीक है आपने कितनी बर्ड्स जो हैं आपने भी बर्ड्स देखी होंगे आपने बर्ड्स देखी कितनी बर्ड्स देखी हैं आपको इसके बारे में लिखना है ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन विच वंस आपने बर्ड्स देखी हैं कितनी देखी हैं और कौन सी देखी हैं ठीक है हैव यू सीन अ बर्ड नेस्ट क्या आपने बर्ड का नेस्ट देखा है ओके वेयर डिड यू सी इट और आपने कहाँ देखा है क्लियर सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू योर सेल्फ ओके क्लियर ऑल ऑफ यू लुक एट दिस नेस्ट विच इज़ योर फेवरेट बर्ड कैन यू शो योर फ्रेंड्स इन द क्लास हाउ इट फ्लाइज एंड व्हाट साउंड इट मेक्स सबकी फेवरेट बर्ड होती है ना अगर क्लास होता तो आपको क्लास में आप बता सकते थे है ना सो गेस व्हाट दिस बर्ड इज ओके सो डू यू नो ऑफ एनी अदर बर्ड दैट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ ट्री ट्रंक लाइक द बारबी डज
ओके, इफ दे आर अ नेस्ट इनसाइड और अराउंड योर हाउस लुक केयरफुली एट इट, उनको देखना, रिमेंबर डू नॉट गो टू नियर द नेस्ट, उनके पास नहीं जाना है ठीक है, एंड डू नॉट टच इट, उनको टच भी ना करना है, इफ यू डू देन द बर्ड विल नॉट कम टू द नेस्ट अगेन, तो उसको आपके पास नहीं आने देगी ओके, आल्सो द नेस्ट फॉर सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स, वे द नेस्ट मेड, किससे कहाँ बना होता है नेस्ट, वट इज द नेस्ट मेड ऑफ, किससे बनाए, वेयर इज द नेस्ट मेड, कहाँ बनाए और किससे बनाए ठीक है, आप पहले चुपचाप से देखना उनको, फिर देखना कि वो जो नेस्ट है वो कहाँ बनाए और जो आप कैसे बनाए ठीक है, इज द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड स्टिल मेकिंग इट, क्या नेस्ट रेडी हो चुका है और जो बर्ड्स होती हैं उन्होंने जो है इसको क्या कर लिया है, दोनों में से क्या आंसर देंगे, आर द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट ओके, कैन यू रिकॉग्नाइज विच बर्ड हैज मेड द नेस्ट, क्या आप रिकॉग्नाइज किया कि किस बर्ड ने इस नेस्ट को बनाया है, क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट थिंग डज द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट, क्या क्या थिंग्स लेके आती है वो ओके, एंड इज देयर एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट, और कोई बर्ड है जो वहां पे बैठती है, वो सब आपको इसमें बताना है क्लियर, लुक एट हियर, हियर इज बर्ड फीट, डिफरेंट काइंड फॉर डिफरेंट नीड्स ओके, डिफरेंट काइंड फॉर डिफरेंट नीड्स, टू स्विम इन वाटर, टू होल्ड ट्री ब्रांचेस, टू कैच द प्रे व्हाट इट हैज, टू क्लाइंब द ट्री ओके, टू वॉक ऑन द लैंड, तो कैसे कैसे जो है उनके जो है फीट जो है उनकी जरूरत होती है, उनके काम आती है, क्लियर, नाउ लुक एट हियर क्लास, हेयर गिवन बर्ड बीक्स अकॉर्डिंग टू द फूड, सो फर्स्ट टू टीयर एंड ईट मीट, ये जो इसकी जो बीक्स देख रहे हैं आप, ये क्या करते हैं, टीयर करते हैं ओके, जो मीट होते हैं उनको खाते हैं ठीक है, एंड टू मेक्स होल्स इन द वुड एंड ट्री ट्रंक्स, कैसे अपने जो है जो होल्स करते हैं वो वुड में ठीक है, जो ट्री के जो वुड ट्री में होते हैं कैसे होल कैसे ट्रंक्स बनाते हैं, टू शक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कैसे वो करते हैं ठीक है, इस टाइप से देखो उनकी बीक्स से रखी है, इस टाइप से उनकी बीक्स जो है बनी होती है, टू फाइंड सैक्स ओके एंड वॉर्म्स फ्रॉम मड एंड सैलो वाटर, कैसे कैसे वहाँ से निकालते हैं वो ठीक है, वाटर के अंदर से अपने इंसेक्ट को, टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स, कैसे वो तोड़ते हैं तोड़ सकते हैं सीड्स को ओके, टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, कैसे डिफरेंट डिफरेंट फूड्स को वह जो है कट करके खाते हैं, लुक एट हियर एनिमल टीथ, सो यू हैव सीन दैट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यू नो दैट सबको पता ही है कैसे कैसे टीथ होते हैं उनके पास, काउस हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ आर स्निपिंग ग्रास ठीक है, तो वो च्यूइंग करती हैं ग्रास को ओके, एंड कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट, वो क्या करती हैं उनके पास कुछ शार्प और कैसे टीथ होते हैं, एंड स्नैक्स हैव या एंड लुक एट हियर दिस नेक्स्ट पिक्चर।